अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज कुकिंग सेंट्रल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चोंगे की रेसिपी। गाइज, ये बहुत एकदम हेल्दी डिश है, लोग मुहर्रम में खाते हैं, लेकिन हम तो इसे साल में कभी भी बनाते हैं। गाइज, इसे बनाना बहुत ही इजी है, एकदम घर की चीजों से बन जाता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चोंगे के लिए हमें आटे का डो लगाना है। इसके लिए मैंने यहाँ 2 बाउल आटा ली हूँ, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप घी ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, यहाँ मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें एक सॉफ्ट डो बना लेना है। जिस तरह हम चपाती के लिए अब आटा लगाते हैं, इसी तरह सेम हमने इसका भी आटा लगाना है। पूरा अच्छे से सॉफ्ट डो लगा लिया है अभी हमने इसका। अभी इसे हम साइड में रख देंगे ढककर। गाइस, यहाँ मैंने ले लिया है गुड़, आप गुड़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ 700 ग्राम गुड़ लिया है। अभी इसकी हम एक पहले चाशनी तैयार कर लेंगे। अभी सबसे पहले हमने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। इसके लिए हमें एक गुड़ सारा एक पतीले में डाल देंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे एक से डेढ़ गिलास के करीब पानी। फ्लेम को हाई कर देंगे। गाइस, इसमें एक तार की चाशनी ने बनाना है, इसे हमने सिर्फ पका लेना है अच्छी तरह से। ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है गाइस। आप चाहे तो किसी सफर पे जा रहे हो, घर में हो, या कोई मेहमान आ जाए तो आप जरूर से ट्राई कीजिए। गाइज, इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। आप देख रहे हैं ये इसकी बिल्कुल भी एक तार की चाशनी नहीं है, लेकिन ये अच्छी तरह से बस पक गया है। अब ये जैसे ऐसा ठंडा होगा थोड़ा सा गाढ़ा होते चला जाएगा। हम जिस तरह से चपाती बनाते हैं उस तरह से हमने चपाती बना लेनी है। गाइस, जिस तरह से हम अपनी चपाती बनाते हैं इसी तरह से हमने अपनी चपाती बना लेनी है। अभी इसे हम सेक लेंगे। गाइस, हम जैसे नॉर्मली चपाती बनाते हैं, हम इसकी सबसे पहले चपाती तैयार कर लेंगे। इसमें अभी हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। गाइस, हमारी चपाती हो चुकी है। अभी इसे मैं आपको दिखा दूंगी इसे फोड़ते कैसे हैं। बस हमने क्या करना है, जो ऊपर की जो परत होती है इसे पिंच करते हुए जाना है। गाइस, आप देख रहे हैं ये किस तरह से मैंने इसे इस तरह से बस हमने पिंच ले लेना है। फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे हमने वापस इसे पिंच करना है। गाइस, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमने इसे छोड़ देना है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये किस तरह से राउंड करते हुए जाना है बस हमने। बहुत ही इजी है गाइस, बस हमारे बहुत ज्यादा डार्क बबल्स ना आए चपाती पे, वरना हमें ये चोंगे फोड़ने में परेशानी हो सकती है। अभी हमने थोड़ी सी डिस्टेंस पे वापस इसे फोड़ना है। बस इसी तरह अभी हमने अपने सारे चोंगे फोड़ लेने हैं। देख रहे हैं इस तरह से हमने अपना चोंगा पूरा फोड़ लेना है। बाकी के हम सारे चोंगे इसी तरह से फोड़ लेंगे, फिर मैं इसे आपको भरने का दिखाऊंगी। गाइस, हमने अपने सारे चोंगे फोड़ लिए हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारे चोंगे हो गए। मैं इसे भी आपको भरने का दिखा देती हूँ। गाइस, ये हमने जो गुड़ का सिरप बनाया था ये भी ठंडा हो चुका है। इसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, क्योंकि अक्सर जो पैकेटों का गुड़ होता है उसमें रेत वगैरह होती है, तो इसे हम छान कर यूज करेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। गाइस, इलायची पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, लेकिन ये ठंडा हो गया है तो ये एकदम अच्छा खासा मीठा भी है और थोड़ा सा ठीक भी हो गया है। बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, वरना हमारे चोंगे पूरे गीले गीले हो जाएंगे। गाइस, सबसे पहले हम अपना एक प्लेट में चोंगा रख देंगे और फिर इसके ऊपर से हमने अप्लाई करना है अपना हमारा सिरप। गाइस, ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट है ये। गाइस, यहाँ थोड़ी सी पॉपी सीड हम स्प्रिंकल करेंगे।
से यहाँ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे हम इसके ऊपर, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो आप ऐड कीजिए वरना कोई बात नहीं। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हमारा देसी वाला घी। माशाल्लाह गाइस, ये एकदम इतना टेम्पटिंग बनकर तैयार होता है, देखते ही मुंह में पानी आने लग गया है। बच्चे तो अभी खाने की जिद करने लगे हैं जल्दी जल्दी, दिख रहा है ना, माशाल्लाह बढ़िया एकदम। गाइस तो ज़रूर आप भी बना के खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है गाइज, इसे बनाना बहुत ही आसान है।